नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा सातवीं के गणित में पाठ आठ का प्रश्न संग्रह 35 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 35। ये है प्रश्न संग्रह 35, उसमें से पहला प्रश्न में क्या दिया गया, गुणा करो। उसमें से पहला है 16xy गुणे 18xy, मतलब यहाँ पे 16xy का 18xy से गुणा करना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे 16xy गुणे 18xy, ये तो दिया गया है। अब क्या करोगे, देखो अंक अंक वाला एक साथ में लिख लो, यहाँ पे 16 और 18 दिया गया तो इसको एक साथ में लिख लो, 16 गुड़े 18 गुड़े यहाँ पे एक्स वाई गुड़े एक्स वाई, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब 16 में 18 का गुणा करो, यहाँ पे 16 में 18 का गुणा कर दिया तो 8 छंग 48 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12, ये गुणा का चिन्ह है। यहाँ पे 1 छक 6 1 एकम 1, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 और 2 कितना आया 288, मतलब ये दोनों का गुणा करने पे आएगा 288। अब यहाँ पे देखोगे यक्स का यक्स में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यक्स का पावर 2 हो जाएगा, यक्स का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे भी वाई का वाई में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई का पावर 2 हो जाएगा, वाई का वर्ग 2 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब, यहाँ पे कितना यक्स है, एक यक्स है, यहाँ पे भी एक यक्स है, जब गुणा होता है तो दोनों जोड़ जाता है तो यहाँ पे 2 यक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे यक्स का पावर 2 हो जाएगा, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में दिया गया 23xy स्क्वायर गुणे 4y गुणे जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 23 गुणे 4 ये पहले लिख लो। अब बचा क्या है, एक्स वाई स्क्वायर बचा है गुणे वाई गुणे जेड स्क्वायर बचा है, ये बचा, देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे y और यहाँ पे जेड स्क्वायर, इस तरीके से बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसको गुणा करो, 23 के 23 23 दिनों 46 23 23 चौक 92, ये हो जाएगा 92। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यक्स एक ही है तो ये हो जाएगा एक, यहाँ पे वाई 2 है और यहाँ पे वाई 1 है तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे वाई का पावर हो जाएगा 3। और ये कितना है, जेड स्क्वायर बचा है तो यहाँ पे लिख लो जेड स्क्वायर, यही आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, 12a प्लस 17b कोष्टक में दिया गया गुणे 4c से गुणा करना है। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का रहेगा ना तो क्या करना पड़ेगा, 4c का गुणा पहले इसमें करना पड़ेगा, फिर से 4c का गुणा 17b में करना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं 12a गुणे 4c, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, प्लस 17b का गुणा 4c में, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे 12 चौक, देखो यहाँ पे 12 है यहाँ पे 4 है तो 12 चौक 48 और यहाँ पे ac प्लस, अब यहाँ पे 17 चौक 68 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, देखो यहाँ पे B और C है, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट दिया गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4x का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे। देखो यहाँ पे 4x का गुणा करोगे, ये पूरा ब्रैकेट लिख लो, 9x प्लस 7y प्लस, अब क्या बचा है यहाँ पे, देखो प्लस 5y है, 5y का भी गुणा करेंगे 9x प्लस 7y से। कहने का क्या मतलब है, ये 4x का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में किया, फिर प्लस 5y का भी गुणा 9x प्लस 7y ये वाले ब्रैकेट के साथ में करेंगे। अब इसको करते हैं, यहाँ पे देखो कि 4x का गुणा इसके साथ में होगा पहले, इसका गुणा इसके साथ में होगा और इसका गुणा इसके साथ में होगा। यहाँ पे लिखो 4x गुणे 9x प्लस, अब फिर से 4x का गुणा 7y से, 4x गुणे 7y प्लस, अब इसका भी ऐसे करो, 5y का गुणा 9x से कर दो, 5y गुणे 9x प्लस, अब फिर से 5y का गुणा 7y से, 5y गुणे 7y से। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखोगे क्या है, 4 9y 36, ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे यक्स है, यक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स का पावर 2, यक्स का वर्ग हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 7 28 और यहाँ पे यक्स वाई है प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा 9 5 45 और यहाँ पे यक्स है, ये वाई है तो यक्स वाई हो जाएगा प्लस,
ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35 और ये हो जाएगा वाई का वर्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे वाई 2 है। अब इसको यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये क्या है, देखो यहाँ पे एक्स वाई एक साथ में है तो ये सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 36x² वैसे ही लिखा प्लस यहाँ पे एक्स वाई है तो ये जुड़ेगा तो 28 में 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा 73xy हो जाएगा। देखो 28xy और 45xy जोड़ने पे 73xy हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 35y². हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले क्या करना पड़ेगा 4x का गुणा इसके साथ में करना पड़ेगा और 5y का गुणा इसके साथ में करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, 4x का गुणा 9x से प्लस 4x का गुणा 7y से, फिर 5y का गुणा 9x से और 5y का गुणा 7y से। तो यहाँ पे सबका सिर्फ गुणा करके यहाँ पे लिख देना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये देखो xy इधर भी है xy इधर भी है, ये दोनों को सेम मिल रहा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 73xy हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, किसी आयत की लंबाई इतना दिया गया है और चौड़ाई इतना दिया गया है तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे हमको लंबाई जो दिया गया है इस फॉर्म में दिया गया है और चौड़ाई भी ऐसे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे आयत की लंबाई कितना दिया गया है, 8x + 5 cm और यहाँ पे आयत की चौड़ाई दी गई है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना दिया गया है, 5x + 3 cm। इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आप लोगों को पता है, क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पे ध्यान दोगे लंबाई में क्या दिया गया है, 8x + 5 गुणे चौड़ाई में क्या दिया गया है, 5x + 3 ऐसे दिया गया। इसके पहले वाला जो सवाल था सेम ऐसे ही हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8x का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में कर देंगे, 8x का गुणा करोगे 5x + 3 से, फिर से 5 का गुणा करोगे प्लस 5 का गुणा करोगे 5x + 3 से, इसी तरीके से बनेगा। देखो 8x का गुणा किया ये पूरे ब्रैकेट में, फिर प्लस 5 का गुणा किया ये पूरे ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखोगे 8x का गुणा इसके साथ में करोगे और वही 8x का गुणा इसके साथ में करोगे। इसको लिख लो 8x × 5x + 8x × 3 प्लस, अब इसका भी ऐसे करो 5 का गुणा 5x में और 5 का गुणा 3 में, यहाँ पे लिख लो 5 × 5x + 5 × 3। अब सबका गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो देखो 8 × 5 = 40 और यहाँ पे यक्स एक है तो यक्स का वर्ग हो जाएगा, यक्स 2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, अंक वाला कर लिया और यहाँ पे यक्स है तो ये हो जाएगा यक्स प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 5 × 5 = 25 और एक यक्स है तो यक्स हो जाएगा प्लस 5 × 3 = 15, देखो यहाँ पे 5 × 3 = 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40x² प्लस। अब यहाँ पे देखोगे ये दोनों यक्स एक्स वाला है, यक्स इधर भी है यक्स इधर भी है तो इसको जोड़ देंगे तो 24 और 25 कितना होता है, 24 × 25 हो जाएगा 49x + 15। लेकिन ये क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया है। यहाँ पे देखोगे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये आएगा हमारा उत्तर। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 35 कम्प्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 35 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।